ये कार्ड मंगल दीदी को रखना था पूजा के लिए, आपने क्यों रखा? हाँ सौम्या, ये कार्ड तुमने क्यों रखा? वो पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त बीता जा रहा है और आप लोग में से कोई यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने रख दी। तो होती कौन है पूजा में कार्ड रखने वाली? आंटी इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने तो आप सबके भले के लिए ही किया, अगर मुहूर्त निकल जाता तो। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैंने रखा या किसी और ने? लड़की तो इस घर की बहू नहीं है, ना इस घर के मालिक की पत्नी। तुम मंगल सक्सेना नहीं हो। शांति अब बात जाने दो। मेरी बेटी का घर है, उसका होते हुए कारण उसके हाथ से रखा जाता पूजा में, उसका हक बनता है। तुमने कैसे रख दिया? वो मुझे पता नहीं था, किसी से पूछना चाहिए था। पंडित जी बैठे थे यहाँ, इनसे पूछ लेती। पंडित जी बोलिए, घर की पूजा में कारण घर की लक्ष्मी रखती है या मेहमान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अधिकार घर की बहू का ही होता है और ये शुभ कार्य इनके हाथों से ही होना चाहिए था जिनके घर में पूजा है। सुना, पंडित जी से कम एक बार पूछ तो लेती। घर में मेहमान बन के आए हो, मेहमान ही बन के रहो। सॉरी सॉरी बोरी का क्या करूं? मम्मी मान रही हैं गलती हो गई इनसे, जाने दीजिए ना। कुसुम जी आप बोलो, मैं गलत बोल रही हूँ? मम्मी आप जानती है ना ये गलत हो रहा है। शांति जी आप शांत हो जाइए, आप इधर आइए बैठिए ना। लिपिका मम्मी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। हो गया। मम्मी जी बात समझने की कोशिश कीजिए, सौम्या कह रही है ना साफ साफ कि पंडित जी के कहने पर उसने कार्ड वहां रखा। इतनी सी बात का? बात इतनी सी नहीं है आदित्य, ये विधि विशेष रूप से मंगल को ही करनी चाहिए थी, हम भी नहीं कर सकते थे। अम्मा मैं मानता हूँ कि गलती हुई, पर मुहूर्त के वक्त मंगल भी तो गायब हो गई थी ना। तो घर वाला कोई कर लेता। बात को समझने की कोशिश करो, हर विधि विधान का एक नियम होता है और हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। जी जी, ये आजकल की लड़कियों को कहाँ पता है ये विधि धर्म कर्म। बुरा मत मानना सौम्या, हम सब थोड़े हैरान रह गए, हम सबको शॉक लगा। हम समझते हैं कि तुम ऑफिस में काम करती हो, तो ये घर के कार्यक्रम रीति रिवाज ये सब तुम कैसे समझ पाओगी? I'm sorry आंटी, अगर आप सबको मेरी वजह से बुरा लगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। I'm really sorry. Come on ना जीजू। लो। जीजू, थोड़ा स्टाइल से दो ना, जैसे हीरो देता है हीरोइन को। अब दे रहा हूँ ना। जीजू घुटने पे जाकर दो ना। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है या मैं कोई हीरो की एक्टिंग कर रहा हूँ? जीजू इतना चिढ़ क्यों रहे? लगता है जीजू को अकेले में देना था, सबके सामने अजीब लग रहा होगा। ये शाना भी ना, उनका आपसी सरप्राइज खराब कर दिया। पापा मैं फोटो लेती हूँ ना। शाना वो बस शर्मा रहा है, शर्माओ मत, दे दो ना, बच्चे कितना कह रहे हैं। भैया भैया Thank you.
एकदम सही करवाया तुमने। कुछ और करना है, कोई और नया तमाशा या फिर खाना खाए? हाँ हाँ बेटा, मंगल जल्दी से सबके लिए खाना लगाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, सबको भूख लगी होगी, है ना? हाँ खाना तैयार है, बस अभी लगा देती हूँ। अपनी बहन लिपिका को समझाओ ये बच्चों वाली हरकतें बंद करे, और अपनी फैमिली को ना गवारों की तरह हरकत करने से रोको। हद है यार, पूजा के दिन तो ये सब करता है, फिल्मों में क्या होता है वो करें हम। जी बोल दी हूं। और क्या लगा तुम्हें, ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं? अंदर जाओ, आईने में अपनी शक्ल देखो, ये हुलिया, ये उम्मीद और ये अरमान कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आऊंगा। सच तो ये है कि कल के ऑफिस के सेमिनार के फ्लावर्स हैं, गाड़ी में रह गए थे। कल के सेमिनार के? ये तो एकदम फ्रेश है। जीजू ये कल के नहीं है, मुझे पता है। ये लो, एक और बहन आ गई। लक्ष्मी तुम्हें क्या करना है, जासूसी कर रही हो हमारी? हम बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? मैनर्स नहीं है ना? अगर नहीं है ना तो सीख लो, किसी लड़के को फंसा भी ली ना तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी ये स्टूपिड हरकतें झेले, बर्दाश्त करे मेरी तरह। हर किसी की किस्मत ना मेरी तरह खराब नहीं होती है। लक्ष्मी इनकी बात का बुरा मत मानना, तुझे पता है ना गुस्से में इन्हें कुछ पता नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, पर तुझे भी नहीं बोलना चाहिए था बीच में। मैं बस अभी निकल रही हूं। अरे कहां जा रही हो सौम्या? डिनर करके जाना। मुझे आना ही नहीं चाहिए था आदित्य, बुरा लग रहा है मुझे। I'm so sorry, सौम्या, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। अब बच्चों ने इतना फोर्स किया, बुके दो बुके दो। कार्ड का भी तो तमाशा हुआ ना? कार्ड तो फिर भी मैंने संभाल लिया, लेकिन ये फ्लावर्स समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्या करूं? जो तुम्हारा है उसे देना पड़ा। I'm very sorry, सौम्या। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है आदित्य, और वैसे भी मंगल और मेरी कैसी बराबरी कि मुझे इस बात का बुरा लगेगा। तुमने उसे मेरे फूल नहीं, मेरे यूज किए हुए फूल दिए। दीदी क्या हुआ? पता नहीं लक्ष्मी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अम्मा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बेटा अदित को आ जाने दो, फिर शुरू करते। हेलो, क्या क्या कहा अदित? अदित हेलो, कौन? आदित सक्सेना, कौन से रूम में? मैडम बताइए ना, प्लीज बताइए ना, कुछ तो बोलिए, हमारा बेटा कहाँ है, किस हाल में, बोलती क्यों नहीं आप? मौसी, 15 मिनट में आ जाएगा। कैसे भैया? नहीं कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, कब से पूछ रहे हैं हम चीजों कौन से रूम में, ये भी नहीं बताया अब तक। कार्तिक हमारा जी बैठा जा रहा है, पता नहीं आदित किस हाल में होगा। घर से तो अच्छा खासा ठीक ठाक निकला था, और ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे।
कहा था ना लक्ष्मण, उनको परेशान मत कर, देखना कितने परेशान हो गए वो। मैंने भी 100 सवाल पूछ डाले उनसे, रोक दिया उनको, कहाँ जा रहे हैं रोक दिया, मन बहुत परेशान था उनका। भाभी भैया मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे थे? ऑफिस की मीटिंग थी। दिल्ली के बाहर यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या आगरा जा रहे थे रात में?